वेलकम टू माय चैनल शोभना द मल्टीटास्कर। आज मैं एफ गियर लग्जर एंटी थेफ्ट 25 लीटर्स ब्राउन लैपटॉप बैकपैक का रिव्यू देने जा रही हूँ। इसमें मेन 3 कंपार्टमेंट्स और एक मेन फ्रंट पॉकेट है। इसका जिप आप जैसा कि देख पा रहे हैं काफी स्ट्रांग बिल्ड है। ये फ्रंट पॉकेट है, इसका साइज यहाँ तक है। 2 मैश पॉकेट हैं इसमें फॉर वाटर बॉटल, और ये पॉकेट जो है वो काफी डीप है। ये इसका साइज यहाँ तक है, पूरी इतनी बड़ी है। ये देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी पॉकेट है। इसमें आप बुक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये भी फुल साइज की पॉकेट है। अब मेन आया इसका ये वाला कंपार्टमेंट, जैसा कि इसके नाम में ही है कि एंटी थेफ्ट, क्योंकि एंटी थेफ्ट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपकी बैग से बैग और मेन बैग के बीच में सेंटर में आता है, बैग से अटैच रहता है। तो आपका जो लैपटॉप है वो इस साइड में है, तो ये जब तक आपने लटकाया हुआ है अपने शोल्डर पर तो ये आपके साथ सेफली रखा हुआ है। और ये पूरा 180 डिग्री तक ये पूरा ओपन हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरा ओपन हो गया है। यहाँ इसका लैपटॉप का कंपार्टमेंट है, ये लैपटॉप इसमें आ गया। ये वाली पॉकेट है, यहाँ आप चार्जर रख सकते हैं। ये मैश पॉकेट है विद चेन, इसमें आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ भी रख दिए। यहाँ पेन रख दिया, यहाँ फ़ोन की लीड वगैरह जो भी आपने रखना है वो सब रख दिया। और यहाँ आप लगभग इसमें काफ़ी स्पेस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको एक दो दिन के लिए बाहर जाना है तो इसमें 2 जोड़ी कपड़े आराम से आ सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। 25 लीटर कैपेसिटी है इसकी। और ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्राउन एंड ब्लैक, जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया था पहले, और ये होल ब्लैक। सेम है, सेम सारा सेम चीज है, बस कलर का डिफरेंस है। और इसमें रेन कवर भी है, इसके इस साइड से आपने इसको ओपन किया, ये इतना बड़ा है। ऐसे हैंग कर सकते हैं। ये बैग मैंने अमेज़न से लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक मेंशन कर रखा है, आप उस लिंक को क्लिक कर इस बैग को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बॉटम राइट कॉर्नर में मेरे चैनल का आइकन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।